हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल वी आर स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। तो यार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ एक हमारे बेस्ट पेन स्टॉक टू बाय नाउ, मतलब बहुत पहले आपको स्टॉक रिकमेंड किया था 19 पैसे के आसपास। 1 साल होने वाला है, 10 महीने हो चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट उस बात को, और आप लोग लगातार उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते रहते। तो चलिए एक छोटा सा वीडियो अपडेट आपको दे देता हूँ, क्या ये स्टॉक ट्राइडेंट से अच्छा बन सकता है। पर्सनली दोस्तों, मुझे तो नहीं लगता कि ट्राइडेंट से अच्छा कोई स्टॉक पेन स्टॉक मार्केट में आपको दिखेगा, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। 19 पैसे का ये टेक्सटाइल स्टॉक है, ठीक है। अभी 19 पैसे आपको नहीं मिलेगा, अभी 97 पैसे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब आप लोग सर वीडियो क्यों बना रहे हो? फिर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि आप लोगों का प्यार, आप लोग जो पूछते रहते हो क्वेश्चन लगातार अलका इंडिया लिमिटेड शेयर के बारे में। अब ये स्टॉक आपको रिकमेंड कब किया था वो देख लो पहले, ठीक है, उसके बाद आगे लेके चलता हूँ। अभी आपको स्टॉक में क्या करना चाहिए देख लेते एक बार। तो यार दोस्तों, आप देख सकते हो ये हमारा ऑलमोस्ट नवंबर 21 और 20, ऑलमोस्ट 1 साल पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था अलका इंडिया लिमिटेड, 19 पैसे का स्टॉक था, बहुत क्लियर कहा था, ठीक है, कि अभी ये आपको सस्ते में मिल रहा है लेकिन फ्यूचर में था इस प्राइस में ना मिले, ठीक है। और बहुत लोगों ने शायद उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया होगा, बहुत लोगों ने यहाँ गाली गलोच भी करी थी उस समय, ठीक है, बहुत मजाक भी उड़ाया था कि स्टॉक तो भैया नहीं जा सकता नहीं जा सकता ऐसे ऐसे करके, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया था कि ये तो भैया ऑपरेटर प्ले होता, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो भाई देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ उसका अभी प्राइस 1 साल बाद क्या ट्रेड कर रहा है और अभी आपको क्या करना चाहिए। सिंपल है भाई, देखो 97 पैसे है, स्टॉक का रिटर्न अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 410% होता है, तो पैसा 4 गुना कर दिया, ठीक है। पेनी स्टॉक बिलो 1 रुपी है, अगर आपने 1,000 रुपये भी लगाया होता तो 4,000 रुपये बन गया, ठीक है। और आपको हमेशा एक बात कहता हूँ कि पेनी स्टॉक बिलो 1 रुपी ये मत सोचो कि भैया वो आपको करोड़पति बनाएगा, अगर करोड़पति बनाएगा तो आपको भिखारी भी बना सकता है, ठीक है। इस बात को भी आपको अपने बैकअप ऑफ माइंड रखना पड़ेगा, इसमें आपको एक लॉजिकल तरीके से पैसा लगाना है। स्टॉक मार्केट एक हलवा नहीं है, जुआ नहीं है, बिजनेस है, ठीक है। अगर पेनी स्टॉक भी बाय कर रहे हो, 80-50 पैसे की टॉफी भी बाय कर रहे हो, तो सोच समझ के बाय करो कि कहाँ पैसा डालना है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर रिसर्च के बाद करो, ठीक है। ये जो स्टॉक था 19 पैसे था, तो यहाँ पर आपको अगर देखो आपकी महीने की इनकम 10K है, 10,000 महीना, तो इसका एक छोटा सा हिस्सा डालो, ऐसा हिस्सा डालो जो आपको कोने में दर्द ना हो, जैसे आप जो स्मोक में उड़ा देते हो, दारू में उड़ा देते हो, वेस्ट कर देते हो, ठीक है। ऐसा समझो कि आपने 100 रुपये का भगवान को प्रसाद चढ़ा दिया था उस समय, 100 रुपये छोड़ो 1,000 रुपये का चढ़ा दिया था, मान लो चलो अगर आपने चढ़ा दिया तो आज ये 4,000 रुपये हो चुका है, और अभी भी पोटेंशियल हाई है भाई, अभी तक स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा है, बंद नहीं हुआ है। और क्या पता है स्टॉक आपका 10,000 रुपये बना दे आपका 1,000 रुपये, क्या पता है स्टॉक आपका 10 रुपये चले जाए, क्या पता 15 रुपये चले जाए, कोई बता सकता है इसके बारे में कि नहीं सकता? कोई बोल सकता कि ट्राइडेंट ऑलमोस्ट 10 साल पहले 70 पैसे था, आज आपका 40 रुपये हो चुका है? कोई बोल सकता था कि यार ट्राइडेंट को पकड़ ले फ्यूचर का मल्टी मेगा स्टॉक बन सकता? नहीं, उसने भी अगर आपको बोला होगा तो उसने भी ये बात बोली होगी, भाई अगर आपके पास 100 रुपये है ना तो 100 में से 10 रुपये डाल दे ट्राइडेंट में, बाकी अपने पास होल्ड कर ले, ऐसा बोला जाता है। इसको बोलते हैं प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, समझ गए? कोई यहाँ पर आपको बाबा बन के नहीं बैठा कि आपको बोल देगा भाई इसको पकड़ ले पैसा पक्का डबल ट्रिपल होगा, ठीक है। वो आपको ये बोल सकता है कि स्टॉक में कुछ पोटेंशियल नजर आ रहा है, आप देख सकते हो, बस अब मर्जी आपकी, आपको पैसा डालना है नहीं डालना है, ठीक है। तो ये स्टॉक भी हमें अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, अभी देख सकते हो लग रहा है ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर बात करते कंपनी के फाइनेंशियल तो देख सकते हो, ये जो मैंने आपको 1 साल पहले दिया था स्टॉक, वही कंपनी के अभी फाइनेंशियल हमें नजर आते हैं। कंपनी डेट फ्री थी, ठीक है, सेल्स आप देख सकते हो नल, एकदम जीरो नील सेल थी उसमें भी, अभी भी कंपनी की सेल्स आपकी नीली दिख रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या था, प्रमोटर्स की जो होल्डिंग थी उसमें भी देखो जो थी वही है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही मुझे अच्छी लगती है कि भाई अगर प्रमोटर्स ने जो होल्डिंग उस समय थी ना जब आपको 1 साल पहले रिकमेंड किया था, ये देखो ये रही, आज भी वही होल्डिंग हमें देखने को मिलती है, तो मतलब समझ जाओ कि प्रमोटर्स ने प्राइस तो बढ़ाया लेकिन प्रमोटर्स ने माल हल्का नहीं किया है। और साथ में देखो जो इंडिविजुअल्स की होल्डिंग है ना आपके सामने, रिटेल की होल्डिंग स्टॉक में बहुत कम है, देखो इनकी होल्डिंग 8% है, इनको कैलकुलेट करोगे तो मोटा मोटी आप बोल सकते हो कि रिटेल की स्टॉक में होल्डिंग मात्र आई थिंक 40 से 50% होगी, बस इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। और अगर आप किसी पेनी स्टॉक में ये फंडामेंटल अप्लाई करते रहोगे, मतलब बोलते रहोगे अरे भाई कंपनी के प्रॉफिट अच्छे नहीं आ रहे, कंपनी का ये अच्छा नहीं है, कंपनी का वो अच्छा नहीं है, तो भाई पेनी स्टॉक का कभी तुम बाय नहीं कर पाओगे, फिर तुम वाले स्टॉक बाय करोगे जिसको बोला जाता है क्या, देख लो ये वाले स्टॉक बाय करोगे फिर तुम, IRCTC, ठीक है। कोई सोच सकता था IRCTC 2 दिन के अंदर 40% टूट जाएगा, ठीक है, हाई से देख चेक करो, हाई से एकदम देखो ऑलमोस्ट 30% गिरावट रही है, अभी ये गिरावट दोस्तों बहुत दूर तक जाएगी IRCTC में। तो यही बोला जाता है भाई स्टॉक मार्केट में कुछ सेफ नहीं है, ना रिलायंस ना TCS ना कुछ, ठीक है। क्या सेफ है? आपकी रिसर्च, आपका ग्रीड, लालच को कंट्रोल करो, बस उसको कंट्रोल करो। जाने के लिए अलका इंडिया भैया 100 रुपये जा सकता है, लेकिन अपने आप से पूछना 100 रुपये तक तुम वेट वेट करने वाले हो घंटा जी? तुम भाई 5 रुपये तक वेट ना करो, तुम 100 रुपये की क्या बात कर रहे हो, इतना मुझे लिख के ले लो, ठीक है। तो ये प्रॉपर एक तरीका, एक बिजनेस है,
बिजनेस करने के भी तरीके होते हैं। अगर आपने 19 पैसे में बाई किया तो पहले आपने माल हल्का किया 40 पैसे में, ठीक है, उसके बाद आपने बोला कि भाई मैंने फिर 60-70 पैसे प्रॉफिट बुक कर लिया। अब आपके पास जो भी आपके पास माल क्वांटिटी पड़ी है वो आपने छोड़ दी, या तो जीरो होगी या तो वो बनेगी बहुत बड़ी बड़ा पैसा, ठीक है, इससे बोलते हैं बिजनेस। अब आप बोलोगे सर सर हमने तो क्या करा, 19 पैसे बाई किया और अभी तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी, तो सबसे बड़ा मूर्ख आपसे कोई नहीं है भाई, करो भाई, 97 पैसे हो चुका है। अगर कोई स्टॉक मल्टीपल अगर बनता है, मान लो आयशर मोटर मल्टीपल बनता है, वो स्टॉक 24 रुपये से आपका 22,000 रुपये चले गया, तो आप क्या करोगे यार, कुछ नहीं करना। 24 में बाई किया, 50 में आते आते अपना पहले माल हल्का करो, अपनी जो कैपिटल है उसको विड्रॉ करो, उसके बाद जो प्रॉफिट है उससे खेलो, प्रॉफिट से खेलो, प्रॉफिट को आप कैरी करो 22,000 रुपये तक। वो हिम्मत देगा आपको 22,000 रुपये की टारगेट के लिए होल्ड करने के लिए? वो हिम्मत नहीं देने वाला कि आपने 100 क्वांटिटी बाई 100% का माल अभी तक होल्ड कर रखा है। अगर आपने 100% का माल होल्ड करवा तो लिख के ले लो 24 वाली चीज आप 240 में बेच दोगे, 240 में नहीं बेचोगे तो भैया 250 में बेच दोगे, 250 में नहीं बेचोगे तो 1,000 में बेच दोगे। 22,000 के टारगेट के इंतजार करोगे आयशर मोटर में? कभी नहीं करने वाले। तो इसलिए आपको प्रॉपर बिजनेस की तरह फॉलो करना है कि भैया जब भी प्रॉफिट आए बुक करो बुक करो बुक करो, और थोड़ा बहुत क्वांटिटी रहने तो क्या पता वो स्टॉक 50,000 रुपये का हो जाए, ये करना होता है। हर कोई बंदा जो धुरंधर होता है ना, वो कभी भी हाई और लो, मतलब टॉप और बॉटम को नहीं पकड़ सकता भाई, स्ट्रॉन्ग मार्केट है, ठीक है, भगवान भी आ जाए ना तब भी नहीं आप बोल पाओगे, भगवान भी नहीं बोल पाएंगे भैया टॉप हाई क्या है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको हमेशा फॉलो करना अपना रिस्क प्रोफाइल और मनी मैनेजमेंट। पता नहीं क्या क्या बातें मैंने बोल दी है, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें हैं। और स्टॉक अभी को भाई होल्ड करो, लेकिन हाँ प्रॉफिट बुकिंग कर लो। ट्राइडेंट से अच्छा स्टॉक है या नहीं है ये तो वही वक्त बताएगा, लेकिन हाँ इतना हो सकता है कि स्टॉक का पैसा बन चुका है जो बंदा हमें जो बनना चाहिए था मुझे, ठीक है, जो मेरे टारगेट थे स्टॉक के ऑलमोस्ट अचीव हो चुके हैं। जो 1 साल पहले आपको वीडियो बना के दिया था मैंने, इसके हिसाब से मेरे टारगेट थे वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुके, अचीव मतलब डन हो चुके। 19 पैसे का सजेस्ट किया था, सभी के सभी जो टारगेट थे वो उसने 4 डाले, 4 डाले मतलब प्रॉफिट अच्छा खासा बन चुका है, ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और मेक श्योर जो बातें बोली है मनी मैनेजमेंट के ऊपर उसको फॉलो करना, और हर लेवल्स में प्रॉफिट बुकिंग करो यार। अगर ये नहीं करना सीखोगे ना तो आप ना 200 वाली चीज अगर अभी आपकी 2 लाख हो जाएगी ना, तो आप 2 लाख तक इंतजार नहीं करने वाले, आप उसको 300 में बेच दोगे, 400 में बेच दोगे, 400 छोड़ो आप उसको 500 में बेच दोगे, समझ गए। तो ये मत बोलना हो कि यार मैं तो स्टॉक को 4,000 के लिए टारगेट के लिए वेट करूंगा, नहीं। जहां आपको लगे कि ये स्टॉक में मेरा प्रॉफिट हो रहा है अच्छा, बांधो प्रॉफिट, और छोटी मोटी क्वांटिटी रहने दो बड़े टारगेट के लिए, क्योंकि भैया यहाँ पर बॉटम और हाई कोई नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं पकड़ सकता, ठीक है। वो दिमाग से फितूर निकाल दो कि मैं इतना पकड़ लूंगा ऐसे पकड़ लूंगा, पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है भाई। वीडियो को समाप्त करता हूँ, समाप्त करने से पहले अगर बीएससी में चेकआउट कर लो कि कैसा कामकाज हो रहा है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर भी एक बार देख लो। तो क्वांटिटी देखो 17 लाख क्वांटिटी ट्रेड की जा रही है अभी भी स्टॉक में, और 100% की डिलीवरी हमें देखने को मिलती है। तो आप बोल सकते हो भाई बड़े पार्टिसिपेशन हो रहा है स्टॉक में, अभी किसका हो रहा है मुझे नहीं पता, रिटेल का हो रहा है या फिर ऑपरेटर का हो रहा है, डेफिनेटली ऑपरेटर का ही हो रहा होगा ना भाई। तो ध्यान से लगाना अगर जो भी वैसा लगाना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से कैसे लगाया जाता है, जब भी देखो स्टॉक में एक डिप आता है स्टॉक का एक्यूमुलेट करो, अब उस समय आप पता नहीं सोए रहते हो क्या करते हो भगवान जाने, लेकिन जब डिप आता है तो स्टॉक का एक्यूमुलेट करो अपने प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप अभी अभी 1 रुपया हो गया आप स्टॉक को बाय कर लो, अभी महंगा हो चुका है। अगर स्टॉक का आरएसई चेक करोगे तो आपको साफ दिखेगा स्टॉक अभी महंगा हो चुका है, ठीक है। तो वेट करो नीचे आने का तब आप बाय करके चल सको। लेकिन भाई मेरे जो स्टॉक के टारगेट थे, फाइनल टारगेट मेरा स्टॉक का 1 रुपये था, ठीक है, वो शायद आपको कल या परसों देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर ये कितना जाता है वो फ्री है, ऊपर आसमान खुला हुआ है, ठीक है, उसके बारे में आगे बात नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आपके पास है प्रॉफिट बुक बांध लो, अगर आपने 1 रुपये बाय किया, 10 में बाय किया, मुझे उससे मतलब नहीं है। हमने 19 में सजेस्ट किया था, 19 में आपको मौका मिला होगा, पता नहीं आप लोग वीडियो देखते हो नहीं देखते हो, इसलिए बोला जाता है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो हर जगह, इंस्टाग्राम टेलीग्राम ट्विटर जहाँ कर सकते हो, ताकि आपको वीडियो अपडेट सबसे पहले मिल पाए। लेट मिलेगा तो घंटा बाय कर पाओगे फिर, है ना भाई। चलो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट है, सी यू।